सारे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम स्टूल का कुशन बनाना सीखेंगे। आप इसको चेयर पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टूल है मेरा, इसके ऊपर मैं कपड़ा बिछा के मेज़रमेंट ले लेती हूँ। तो ये स्टूल की चौड़ाई से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना है, तो मेज़रमेंट में ये 16x16 का कपड़ा है। लंबाई भी इसकी 16 इंच है और चौड़ाई भी 16 इंच है, ये देखिए। तो और ये डबल में है, आप चाहें तो नीचे दूसरे कपड़े का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये 2-2 इंच चौड़ी 4 पट्टियाँ ली हैं। तो ये पट्टियों की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि ये स्टूल के पैरों पे अच्छे से बंध सकें। तो इन पट्टियों को सबसे पहले बीच में से ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे इन पर। तो ये पट्टियाँ सिलने के बाद अब ये जो कुशन के लिए हमने कपड़ा लिया है इसको सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। 1/2 इंच का गैप लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है। और ये जो कोने हैं उन पे हमें इन पट्टियों को अटैच कर देना है। तो इन पट्टियों को हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो ये अंदर की तरफ रखते हुए पट्टियाँ हमने सिलाई भी लगा ली है। तो देखिए चारों तरफ की सिलाई पूरी हो गई है और बीच में से थोड़ी जगह छोड़ते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ताकि जिससे इसको हम कॉटन भर सकें। तो जी सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम इस पर इक्वल साइज के बॉक्स बना लेंगे। तो ये स्क्वायर शेप बना लिए हैं और अब इसके बाद हम इसमें कॉटन भरना शुरू करेंगे। अब इसको हाथ से प्रेस करते हुए चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो ये देखिए कॉटन भर दिया। अब इसका जो ओपन स्पेस था उसको हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरी तरह पैक हो गया है। अब ये जो बॉक्सेस हमने बनाए थे इनके जो क्रॉस पॉइंट हैं उनमें हम सुई धागे की हेल्प से टांके लगाएंगे। तो बिल्कुल खींच के टाइट हमें टांका लगाना है ताकि बीच में से ये अच्छे से दब जाए। तो देखिए इस तरह बहुत ही सुंदर सा कुशन हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसको आपको स्टूल पर बांध के दिखाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।